अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस एम महमूद एंड वेलकम टू जायंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कोर्स से ज़्यादा किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने से पहले मैंने ये कम्युनिटी वेबसाइट सेटअप की है जिसमें बेसिकली आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको यूट्यूब की रिस्पेक्टिव वीडियो में, जिस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। और दूसरों की आसानी के लिए मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे community.zions में भी एड कर दूंगा और उसका जो प्रॉपर आंसर होगा उसको भी यहाँ पे एड कर दिया जाएगा ताकि मूविंग फॉरवर्ड जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे उनको इससे फायदा होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे और मैं उसका आंसर देता जाऊंगा तो हमारे पास एक प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी। क्वेश्चन अपना डायरेक्ट यूट्यूब की रिस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट सेक्शन में करेंगे, मैं वहीं पे आपको उसका जवाब भी दे दूंगा और उसको यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर दूंगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए। आप काइंडली जो भी वीडियो स्टार्ट करें उसको शुरू से आखिर तक एक दफा कंप्लीट देखें, वीडियो को स्टार्ट करें और एंड तक कंप्लीट देखें। बीच में स्टॉप करके अगर आप बेसिकली मैंने थोड़ा सा आपको कोड करके दिखाया, आप वहां पे मुझे 10 से 15 सेकंड देख के पॉज करेंगे और उतना कोड करेंगे, उसके बाद फिर अगले 10 15 सेकंड देखेंगे, तो ये आप देखकर सिर्फ और सिर्फ मीन के कह लें मैनुअली कॉपी पेस्ट एक किस्म का कर रहे हैं, आंखों से कॉपी करते हैं और टाइपिंग करके उसको पेस्ट कर देते हैं। इससे आपको एक तो चीज याद कम होगी, दूसरा जो एरर आना चाहिए था बेसिकली जब आप एक वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे और फिर देखकर करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आएगी और जो मिस्टेक आपको आएगी उससे आप सीखेंगे कि मैंने एक टैग लिखा वहां पे टेबल, वहां पे मैंने उसमें कोई एट्रीब्यूट यूज किया या कोई एक काम किया, आपने उस पूरी वीडियो को देखा और जब आप खुद करने बैठे तो आपने या तो कोई टैग क्लोज नहीं किया या नाम गलत लिख दिया, तो इससे आप ये चीज सीखेंगे कि अच्छा मैंने ये गलती की है, नेक्स्ट टाइम ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा पार्ट 10 से 20 सेकंड दे के या मैक्सिमम 1 मिनट दे के उसको करने की कोशिश करेंगे तो एक तो जो आपकी याद रखने की सलाहियत है वो इंक्रीज नहीं होगी कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज नहीं होगी और दूसरा आप कोर्स से सही तरह फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज, क्योंकि ये एक वीडियो बेस्ड कोर्स है तो आप हर एक वीडियो को शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखें और एक दफा देखने के बाद उसमें जो पूरी वीडियो में मैंने करके आपको दिखाया है, जो सिखाया है उसको जुबानी खुद करें। अगर कोई इश्यू आए तो फिर आप दूसरी दफा जहां पे इश्यू आया वहां तक बेसिकली वीडियो को आप थोड़ा थोड़ा करके उसको याद भी करने की कोशिश करें, अपनी गलती को भी याद रखें कि ये गलती मैंने दोबारा नहीं करनी और फिर कंटिन्यू करें। दूसरा, जब भी आप कोई नई चीज सीखें, कोई टैग आपने सीखा है तो स्टार्टिंग में और थ्रू आउट आपके पूरे करियर में भी आप काइंडली हर एक चीज को नोट किया करें। नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी, आपकी जो डेवलपमेंट जर्नी है उसका सिर्फ स्टार्ट है तो अभी आपको जो चीजें हैं उनको याद रखने के लिए और उनसे फायदा हासिल करने के लिए उनको लिखना पड़ेगा और बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जब उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये काम आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चंस आप जरूर पूछें लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पूछें ना, बल्कि क्वेश्चन जब आपको कोई मसला है तो उसको प्लीज एक दफा गूगल पे सर्च करके देखें और खुद उसको रिजोल्व करने की भी कोशिश करें। ना सिर्फ खुद रिजोल्व करने की कोशिश करें बल्कि कम्युनिटी में जो दूसरे मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं उनको आंसर करने की भी कोशिश करें। प्लीज अपनी टोन जो है, जो आपकी लैंग्वेज है उसको पोलाइट रखें ताकि कम्युनिटी में कोई भी मेंबर डिस्टर्ब ना हो और एक प्रॉपर जो हेल्थी एनवायरनमेंट है वो कायम रहे और जितनी ज्यादा हो सके दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है और उसका आपको आंसर आता है, जब आप उसको आंसर करेंगे तो आपको रिविजन हो जाएगी और अगर उस आंसर में कोई मिस्टेक होगी तो उसको मैं आंसर करके आपकी उस मिस्टेक को भी करेक्ट कर दूंगा जिससे कि आपकी लर्निंग भी होगी। ओके, तो तीन चीजें हमने डिस्कस की, एक मैंने आपको ये कम्युनिटी वेबसाइट का बताया, आपने क्वेश्चंस यूट्यूब में ही पूछने हैं उनको यहाँ पे ऐड कर दूंगा ताकि आपके पूछे हुए क्वेश्चन से बाकियों को भी फायदा हो सके। दूसरा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है और देखकर याद करके करने की कोशिश करनी है। अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो नो डाउट आप तब भी सीखेंगे लेकिन जब आप जुबानी करने की कोशिश करेंगे तब आप ज्यादा सीखेंगे। और जब भी मसला आए उसको कम अज कम एक दफा, बेहतर है कि आप उसको 2 से 3 दफा खुद करने की ट्राई करें, एक दफा ट्राई करें, नहीं हुआ 5 मिनट की ब्रेक लें,
फिर ट्राई करें। मेन आपका जो मकसद है वो सीखना है, इस लैंग्वेज को लर्न करना है ताकि आप HTML और CSS को यूज करते हुए डेवलपमेंट कर सके। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर दूंगा तो इससे आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं होगा। आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज पूछी, मैंने उसका आपको क्लियर आंसर दे दिया, वो चीज वहां तक ही रही। लेकिन जब आप खुद उसको एक्सप्लोर करते हैं तो उसके साथ आप और बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं। तो मेन इसका मकसद सिर्फ ये है, आपने खुद सीखा, उसके बाद अब जब कम्युनिटी में कोई और क्वेश्चन कर रहा है तो एक बहुत ही फ्रेंडली और हेल्थी मैनर में उसका जवाब भी दे। एक तो बेसिकली मुझे इससे काफी खुशी होगी कि कम्युनिटी मेंबर्स एक्चुअली सीख रहे हैं, और ना सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं। और अगर आपके आंसर में कोई भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो मैं उसको भी क्लियर आउट कर दूंगा ताकि आपकी भी मूविंग फॉरवर्ड वो मिस्टेक आप किसी प्रोजेक्ट में ना करें। ये 3 से 4 चीजें थी जिन पे आप प्लीज अमल करें, इंशाल्लाह आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।